नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। 1 सितंबर से अनलॉक 4 में भी नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण का बयान, सरकार की ओर से स्कूल और कॉलेज खोलने का कोई निर्देश नहीं। 14 सितंबर से शुरू हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक संसद सत्र को चलाने का रखा प्रस्ताव। पुलवामा आतंकी हमले में 18 महीने बाद चार्जशीट पेश, पाकिस्तान में रची गई थी हमले की साजिश। 14 फरवरी 2019 को आतंकी हमले में शहीद हो गए थे 40 जवान। अदालत की अवमानना के मामले में प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाने पर फैसला रखा सुरक्षित। तय समय में प्रशांत भूषण ने नहीं मांगी बिना शर्त माफी। और सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल आया सामने। ईडी ने रिया को की चैट सीबीआई और नारकोटिक्स को सौंपी। कोरोना वायरस के बीच संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक संसद सत्र को चलाने का प्रस्ताव पेश किया है। इस दौरान दोनों सदनों में कोरोना वायरस महामारी के कारण काफी सावधानियां बरती जाएंगी। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मॉनसून सत्र में इस बार कुल 18 बैठक होगी। मार्च के बाद पहली बार सदन का सत्र आयोजित होने जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों के बैठने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिसके तहत मौजूदा सीटों के अलावा गैलरी में भी सांसद बैठे हुए दिखाई देंगे। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक सांसद गैलरी और चैम्बर दोनों जगह बैठेंगे। 1952 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। राज्यसभा में इस दौरान 60 सदस्य चैम्बर में बैठेंगे, 51 गैलरी में और बाकी 132 को चैम्बर में बिठाया जाएगा। इसी तरह का सिस्टम लोकसभा में भी लागू किया जाएगा। वहीं 1 सितंबर से देश में अनलॉक 4 की शुरुआत हो रही है। ऐसे में सबकी नजर स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर सरकार के फैसले पर है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी होने वाली गाइडलाइन से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि सरकार की ओर से स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर कोई निर्देश नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अनलॉक को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में स्कूल और कॉलेज के खोलने से संबंधित कोई निर्देश नहीं है। राजेश भूषण ने कहा कि देश में जो भी गतिविधियां खोली जा रही हैं उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करती है। जब भी स्कूल और कॉलेज को खोलने का निर्णय होगा तो वो एसओपी प्रभाव में आएगी और उसको लागू किया जाना होगा। अभी जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक की गाइडलाइंस हैं उनमें स्कूलों या कॉलेजों को खोलने से संबंधित कोई निर्देश नहीं है, ये तथ्य स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि स्वास्थ्य मंत्रालय विभिन्न गतिविधियों को जब जब वो खोली जाती हैं, जैसे निर्णय हुआ मॉल्स को खोलेंगे या जिम्स को खोल सकते हैं या इकोनॉमी के अन्य गतिविधियों को खोल सकते हैं, तो ऐसी प्रत्येक गतिविधि के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक एसओपी बनाया जाता है। तो इसी प्रकार का एसओपी जब भी कभी शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने का निर्णय होता है तो वो एसओपी फिर प्रभाव में आएगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाना होगा। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि गलती करने वालों को गलती का एहसास होना चाहिए। इस सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि इनको क्षमा कर देना चाहिए, बार भी आपके इस कदम की तारीफ करेगा। उन्होंने कई अच्छे काम भी किए हैं, फूड सिक्योरिटी, मजदूरों के लिए, बुनियादी अधिकारों के लिए समेत कई मुद्दों पर काम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप हमें ऐसा करने की सलाह दे रहे हैं और अगर आप ऐसा किया भी जाए तब भी ये हम पर ही इल्जाम धरेंगे। अटॉर्नी जनरल के रूप में आप ही विचार करें जो कुछ इन्होंने कहा है उस पर। उन्होंने जिन बुनियादी तथ्यों की बात की है
और ये जिनकी आड़ ले रहे हैं, हमारे बुनियादी तथ्य और सत्य इनसे अलग हैं। हमें इनके बयान दुर्भावना से भरे लग रहे हैं। पिछले साल 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले के मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर की एनआईए अदालत में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है। इस मामले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। 5000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट डीआईजी सोनिया नारंग और पुलिस अधीक्षक राकेश बलवाल की एक टीम द्वारा जाँच के बाद तैयार की गई है। इसमें जैश मोहम्मद सरगना मसूद अजहर, उसके भाई अब्दुल रऊफ असगर, आतंकवादी संगठन के कई अन्य आतंकियों और 7 गिरफ्तार आतंकियों और आरोपियों के नाम शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि चार्जशीट में इस हमले में पाकिस्तान की भूमिका के पुख्ता सबूत, तकनीकी सामग्री और परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं। पाकिस्तान ने एक स्थानीय आतंकी आदिल अहमद डार का इस्तेमाल किया, जिसने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटक से लदी एक कार से टक्कर मारी थी। जांच में पता चला कि हमले में इस्तेमाल किया गया आरटीएक्स पाकिस्तान से मंगवाया गया था। जैश मोहम्मद के आतंकवादियों ने भारत में घुसपैठ की थी और एनआईए के पास इसके साक्ष्य भी हैं। More than 5,000 pages, but if you include digital evidence also, it will go up to 15,000 pages. Achha, to yes. Total 19 accused. Total 19. Yes. Total. Next hearing kab hai sir? Next hearing 1st of September. 1st of September. Vipin Kalra. Yes. 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 How many of them are the Pakistani? How many of the Indians accused? Few person are Indian. Rest of the accused person are Pakistani. It's the Masood Azhar also. Yes. Yes. He is the prime accused. He is the prime accused. उधर कांग्रेस कार्य समिति की सोमवार को हुई बैठक में सोनिया गांधी के पद पर बरकरार रहने का फैसला होने के बाद भी ऐसा लगता नहीं कि पार्टी में मामला रफा दफा हो गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल पूरे मामले में सार्वजनिक रूप से मुखर दिख रहे हैं। सोमवार को राहुल गांधी के कथित बयान के खिलाफ सीधा ट्विटर पर आकर ट्वीट करने के बाद सिब्बल ने फिर मंगलवार को एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ये एक पद के बारे में नहीं है, ये मेरे देश के बारे में है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। हालांकि उनके इस ट्वीट से ये स्पष्ट नहीं है कि उनका निशाना किसकी तरफ है, लेकिन इतना तय है कि सोमवार को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में लिया गया फैसला मामले को शांत करने में काफी नहीं रहा। बता दें कि सिब्बल ने सोमवार को मीटिंग के बीच में ऐसा ट्वीट किया था जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया था। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व में कुछ कमी है। उन्होंने कहा कि अलग राज्य से आने वाले नेताओं के लिए वरिष्ठ नेताओं से मिलना आसान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कुछ चीज़ों की कमी है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पार्टी नेताओं के बीच बैठकें नहीं होती है। अगर एक अलग राज्य का कोई पार्टी नेता दिल्ली आता है तो उसके लिए यहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलना आसान नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पार्टी नेताओं से मिलना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि 50% समस्याओं का हल हो जाएगा। कांग्रेस के पदाधिकारी अगर विभिन्न प्रदेश से आते हैं, अगर प्रदेश अध्यक्ष भी आता है, तो आसान नहीं है कि वो किसी बड़े नेता से यहाँ पे मिल सके तुरंत, जैसे कि एक लोकतांत्रिक पार्टी में होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो सोनिया जी हों, राहुल गांधी हों, अगर ये लोगों से मिलना शुरू करते हैं, पार्टी के रैंक एंड फाइल से मिलना शुरू कर दें, तो 50% की जो हमारी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने उस पत्र की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं जिसमें कांग्रेस के 23 नेताओं ने अध्यक्ष सोनिया गांधी से पार्टी नेतृत्व में बदलाव की मांग की थी। कुमारी शैलजा ने कहा कि जिन नेताओं ने पत्र लिखा उन्हें बीजेपी के हाथों नहीं खेलना चाहिए। पत्र लिखने की टाइमिंग और उसे मीडिया में लीक करना सही नहीं है। उम्मीद है अब भविष्य में ये सब नहीं होगा।
उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी महासचिवों के साथ मीटिंग की। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष ने बिहार चुनाव पर मंथन किया। उन्होंने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की और बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत पकड़ बनाने पर जोर भी दिया। जेपी नड्डा ने सहयोगी पार्टियों को मजबूती देने की बात भी कही। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना रिंग रोड प्रोजेक्ट और गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। वहीं नीतीश कुमार को एनएचआईए के अधिकारियों ने रूट मैप दिखाया। आपको बता दें कि बेहटा से सरमेरा रोड पर का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिसका विधिवत उद्घाटन सीएम ने पिछले हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया था, लेकिन नौबतपुर और बेहटा के बीच अभी भी लगभग 14 किलोमीटर तक के सड़क अभी नहीं बन पाई है। सड़क बनने में हो रही परेशानी को जानने के लिए सीएम ने आज बेहटा से नौबतपुर और उसके आगे तक का निरीक्षण किया। उधर आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लिया जाए तो समुद्र का पानी खत्म नहीं हो जाता है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि पार्टी समुद्र है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के सदस्य एक परिवार की तरह होते हैं, जहां लोग रूठते हैं तो मान भी जाते हैं। तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार पर भी हमला किया। तेज प्रताप ने कहा कि बिहार में हालात खराब हैं, फिर भी नीतीश कुमार चुनाव के लिए बेचैन दिखाई दे रहे हैं। कौन नाराज चल रहा, कौन नहीं नाराज चल रहा, वो सिचुएशन हमारे लिए नहीं है। हमारा सिचुएशन है कि हमारा बिहार क्या है, हमारा बिहार किस सिचुएशन से गुजर रहा है, हमारा ये मेन मकसद है। पार्टी है, पार्टी समुंदर होता है, एक लोटा जल निकाल करके बाहर कर देगा तो पानी खत्म नहीं होता है। इसीलिए पार्टी में लोग है, संगठन में नाराज चलते हैं, लेकिन सब मान भी जाते हैं, तो ये एक तरीके का परिवार है, परिवार में नाराजगी चलते रहती है। उधर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यकारिणी के गठन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी को लेकर मंथन चल रहा है और जल्द ही नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक कार्यकारिणी की घोषणा से पहले प्रदेश और जिला स्तर के नेताओं के साथ बैठक भी की जाएगी और उनका फीडबैक भी लिया जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी राजस्थान का दौरा करने वाले हैं, उनके साथ भी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, जिसके बाद कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। आदरणीय माकन जी आएंगे, हम लोग बैठ करके चर्चा करके और संभाग वाइज उस संभाग में होने वाले जिले, उन जिलों के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे कि संगठन का नया स्वरूप कैसा हो, सरकार की योजनाओं की अंतिम छोर तक पहुंच हो, क्या कमियां खामियां रह रही हैं, वो गांव के लोग क्या फीडबैक कांग्रेस का कार्यकर्ता देता है, उससे हमें सरकार में और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलेगी। संगठन के बारे में सुझाव प्राप्त होंगे जमीनी कार्यकर्ताओं के, तो निश्चित रूप से संगठन को भी और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान।
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acres ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी। एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड, भोपाल। कॉल 9165025500। RKDF यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, ना कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF रैंक यूनिवर्सिटी एंड बिकम CEO ऑफ योर कंपनी। एट RKDF यूनिवर्सिटी वी फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। कोर्सेज ऑफरिंग BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. विजिट RKDF यूनिवर्सिटी एट गांधीनगर, भोपाल, और कॉल ऑन टोल फ्री नंबर 1800-270-320। मध्य प्रदेश के देवास में एक दो मंजिला इमारत गिर गई है। लालगेट इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है। मलबे से कई लोगों को बाहर निकाला गया है, सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। राहत और बचाव का कार्य फिलहाल जारी है। बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर शहर के लालगेट इलाके में अचानक एक दो मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। हादसे में बिल्डिंग में मौजूद कुछ लोग दब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। मलबे में दबे तकरीबन 6 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि मलबे में कुछ और लोग दबे हो सकते हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब तक कुछ घायलों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। निगम और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, मलबे को हटाने का काम भी जारी है। वहीं हादसे की असल वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। उधर महाराष्ट्र के रायगढ़ में बिल्डिंग गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। वहीं अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। पुलिस प्रशासन के साथ NDRF की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। रायगढ़ के महाड में सोमवार की शाम बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई थी। बताया जा रहा है कि 5 मंजिला इमारत सिर्फ 10 साल पुरानी थी। इस बिल्डिंग में 40 से 45 फ्लैट्स थे। बताया यह भी जा रहा है कि सबसे पहले ऊपर की तीसरी मंजिले पहले गिरनी शुरू हुई, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि हादसे के वक्त कुल कितने लोग बिल्डिंग में मौजूद थे। हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। उधर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स से जुड़े तथ्य आने के बाद अब इसकी जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करेगा। इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को चिट्ठी लिखी थी। बता दें कि इस मामले की जांच पहले मुंबई पुलिस और ED कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद CBI भी जांच में जुटी है। ED ने पिछले कुछ दिनों में सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती और उनके करीबियों से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान ही ड्रग्स से जुड़े कुछ तथ्य हाथ लगे हैं। इस बीच CBI ने मुंबई पुलिस के 2 कर्मियों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। दोनों सुशांत मामले में जांच टीम में रहे हैं। वहीं CBI ने अभिनेता के फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी, रसोई नीरज सिंह और घरेलू सहायक दीपक सावंत से फिर से पूछताछ की है। एक अधिकारी ने बताया कि पिठानी, नीरज और सावंत सांताक्रूज में कलीना स्थित DRDO के गेस्ट हाउस में पहुंचे हैं, जहां मामले की जांच कर रहे CBI के अधिकारी ठहरे हुए हैं। ये तीन व्यक्ति बांद्रा के मॉन्ट ब्लॉक अपार्टमेंट में स्थित राजपूत के घर में उस दिन मौजूद थे जब 34 साल के अभिनेता 14 जून को अपने कमरे में फंदे से लटके मिले थे। उधर सुशांत सुसाइड मामले में जमकर राजनीति भी हो रही है। पटना में कांग्रेस ने पोस्टरों के जरिए सुशांत पर वोट लेने की NDA की राजनीति के
का बीच सड़क पर पर्दाफाश करने का अभियान शुरू किया है। कांग्रेस ने पटना के चौक चौराहों पर एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने इस पोस्टर में सुशांत सिंह राजपूत और स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में पटना के भारत के सबसे गंदे शहरों में शुमार होने पर तंज किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के लाश पे भाजपा राजनीति करना चाहती है, जिसको कांग्रेस नहीं होने देगी। कांग्रेस सुशांत सिंह राजपूत के साथ सिर्फ न्याय चाहती है। आप देखिए, दूसरा इसमें है स्वच्छता में, पूर्वी भारत के जितना शहर है उस 47वां स्थान पे पटना है। 15 साल में ये सरकार चुनाव है, किस मुंह से जनता के पास जाना चाहती है? यहाँ हवा स्वच्छ नहीं है। स्वच्छता में आप देखिए, जल कर्फ्यू लग जाता है पानी पड़ने के बाद। देश भर में तेल की कीमतें थम नहीं रही हैं। आज तेल कंपनियों ने फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल में सुस्ती के बाद भी भारत में कीमतें लगातार बढ़ी हैं। अगस्त के महीने में लगातार 24 दिन से डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन पेट्रोल महंगा हो रहा है। आज भी पेट्रोल 11 पैसे महंगा हुआ। सोमवार को 13 पैसे बढ़ाए गए थे। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल 1.30 रुपये महंगा हुआ है। उधर पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि महंगा पेट्रोल और बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरकार खुलेआम। आगे बढ़ेंगे खबरों में। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से खत्म ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की वैधता लॉकडाउन की वजह से तीसरी बार बढ़ाई गई है। इससे पहले केंद्र ने 30 जून तक वैलिडिटी को बढ़ाया था, उसके बाद 30 सितंबर तक और अब 31 दिसंबर तक ये सभी डॉक्यूमेंट्स वैध रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि इस साल 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता और मोटर वाहनों के तमाम जरूरी दस्तावेजों को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। पहले दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी, जिसे अब इस साल के अंत तक बढ़ा दिया गया है। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का एमपी में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241-44981 or visit www.srku.edu.in. चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काली ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। साइबर क्रिमिनल्स ने इस बार रेल यात्री साइट के सर्वर में सेंधमारी की है। साइबर क्रिमिनल्स ने करीब 7 लाख पैसेंजर्स की जानकारी लीक कर दी है। नेक्स्ट वेब की रिपोर्ट के मुताबिक रेल यात्री ने अनसिक्योर सर्वर पर लोगों का डेटा रखा था, जिसका फायदा उठाकर हैकर्स ने इस घटना को अंजाम दिया है।
सेफ्टी डिटेक्टिव नाम के सिक्योरिटी फर्म ने बताया कि पैसेंजर्स की पेमेंट डिटेल, नाम, बुकिंग डिटेल समेत क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जुड़ी जानकारी भी लीक हुई है। इस लीक के बारे में फर्म ने 10 अगस्त को ही जानकारी दी थी। सेफ्टी डिटेक्टिव नाम की सिक्योरिटी फर्म का कहना है कि रेल यात्री ने बिना पासवर्ड वाले सर्वर पर यूजर्स का डेटा रखा था। लीक हुए डेटा का साइज करीब 43 GB है, जिसमें अधिकतर डेटा भारतीय लोगों का है। बता दें कि रेल यात्री ने मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सर्वर को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों की आय 4 गुना तक बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि किसान आत्मनिर्भर होंगे तो देश अपने आप आत्मनिर्भर होगा। किसान अपनी फसल जब मंडी में जाता है, भाव कम होता है तो उस समय वो वेयरहाउस में रखेगा, और जब भाव अच्छा आएगा तब बेचेगा। तो जो बिचौलिए बीच में 3 गुना 4 गुना कमाते थे, बिचौलिए हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान को सक्षम बनाया, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, और हमारी सरकार इस ओर अग्रसर है, और आने वाले समय में हम किसान की आय 2 गुना 3 गुना और 4 गुना करेंगे। किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर। केंद्र सरकार को बीमा कंपनी LIC के निजीकरण को लेकर विरोध झेलना पड़ रहा है। दरअसल सरकार LIC को स्टॉक मार्केट में शामिल करना चाहती है, जिसके चलते LIC के कर्मचारी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के निजीकरण के खिलाफ है। उनका कहना है कि LIC गरीब तबके को सहूलियत देने के लिए बनी थी, लेकिन कंपनी के निजीकरण के बाद वो सहूलियत आम जनता के लिए नहीं रहेगी। ऐसे समय में जबकि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में किस तरह का दौर चल रहा है, मंदी का दौर है, सब जान रहे हैं कि परसेंटेज इसका अनुमान लगा रहे हैं GDP का क्या हो सकता है, ऐसे दौर के अंदर ऐसा एक्सपेरिमेंट करना, उसके मूलभूत ढांचे के साथ कुछ बदलाव करना LIC के अंदर, हम मानते हैं LIC के हित में नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि विनिवेश का लक्ष्य, पूंजी अर्जित करने के लक्ष्य के लिए LIC के हित का और जो LIC से जुड़े पॉलिसी होल्डर हैं उनके हित का कॉम्प्रोमाइज उससे नहीं करना चाहिए, इसका हम विरोध करते हैं। राजस्थान के झुंझुनू में एक रास्ते को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्ष एक ही परिवार के थे, लेकिन एक रास्ते ने परिवार के लोगों को ही एक दूसरे का जान का दुश्मन बना दिया। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें लगभग 12 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला ने जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों तरफ से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में दुश्मन कोरोना किस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब मनोहर सरकार भी इसकी चपेट में आ गई है। पहले विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, फिर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और अब उनके कैबिनेट के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा, तीनों पर कोरोना वायरस ने अटैक किया है और सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 2 दिन में कोरोना वायरस ने यह तीसरा बड़ा झटका हरियाणा की BJP सरकार को दिया है। फिलहाल तीनों ही नेताओं ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और अपने संपर्क में आने वाले लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने और खुद को क्वारंटीन करने की अपील की है। बता दें कि पहले इन नेताओं के ऑफिस में कोरोना ने सेंध मारी और उसके बाद सीधे तीनों दिग्गजों पर अटैक कर दिया। फिलहाल हर कोई हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।